हेलो एवरी वन आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा यूमस टीचर टूडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर नाइन ऑफ क्लास फोर द चैप्टर नेम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स स्टूडेंट वी ऑलरेडी ऑलरेडीटेड अबाउट फर्स्ट पार्ट इन प्रीवियस क्लास वी विल लर्न अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है मल्टीप्लीकेशन का बेसिक रूल क्या है प्रोडक्ट क्या होता है कैसे हम टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं रिपीटेटिव एडिशन करके या फिर हम कहें टेबल का यूज करके हमने मल्टीप्लीकेशन कैसे किया इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए

टू की टेबल को राइट कर रहे थे एडिशन करके फाइंड कर पा रहे थे ऐसा कुछ कर रहे थे ना तो उसी मेथड का हम यहां यूज करेंगे हमारे मल्टीप्लीकेशन को करने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक्स सो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिला है फील्ड ब्लॉज शीट एक शीट मिल गई ठीक है इसके ओरिजेंटल और वर्टिकल हम नंबर से देख पा रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टाइन साइड यू कैन चेक द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द नंबर्स टू आल्सो सो यहां हमें क्या करना है मैसेज क्या कह रहे हैं देखो वन को वन से मल्टीप्लाई किया आंसर वन टू को वन से मल्टीप्लाई किया आंसर टू सो इन शॉर्ट वी कैन से कि हमें यहाँ टेबल का मैंशन करना है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं टू फाइव जेन टू सिक्स ट 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18. Clear? Chalye. Next is 3 table. 3, 6, 9, 12. Then 3 more 15. After that we can say 18. Then 21, 24. And at last we have 27. Clear? Chalye. 4 key table 4, 8, 12, 16. Then we have 20. आफ्टर ट्वेंटी वी हैव ट्वेंटी फोर देन ट्वेंटी एट एंड अनदर विल बी थर्टी टू एंड एट लास्ट एट नाइन टाइम वी हैव नाइन थर्टी सिक्स ओके फोर नाइन जा थर्टी सिक्स सो इसी जो बेसिक प्रोसीजर ये हमारा एक बेसिक प्रोसीजर है जहाँ हम वन से लेकर के नाइन तक की टेबल को कंपोज कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि हमारे लिए इतना टफ नहीं है क्योंकि इसका प्रैक्टिस हमने लास्ट जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वहाँ अच्छे से की थी तो चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं देन टू थर्टी सेन एट टाइम वी हैव फोर्टी एंड नाइन टाइम वी हैव फोर्टी फाइव क्लियर इफ यू टॉक अबाउट द टेबल ऑफ सिक्सली वी कैन सेव सिक्स वन जास टू जाटीन सिक्स फोर जा

okay so another table is our seventh table in the seven table we have 7 14 21 28 then we have 35 after it we have 42 and then 7 7 49 then we have 56 uh, and after that we have 63 at 9 time by the seven clear if we talk about the eight table then we have eight another will be 16 24 32 40 then we have 48 if we talk about uh, 8 7 uh, then we have 56 if we talk about 8 eight uh, 64 eight nines, uh, if we talk eight nine uh, 72 ok this is our table of 8 and at last we have table of 9 in short it is a easy composed table jami reghata 0 to 9 we should write the counting and another side we should write the 0 to 9 counting reverse mode so our 9 table complete so let's say basic clear 9 then we have 1 and 8 then we have 2 and 7 3 and 6 4 and 5 so now time to reverse 5 to 4 ok then 6 to 3 ओके देन वी है डीजन जहाँ हमने ये देखा कि कैसे हम इजी वे में सिंगल यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और हमारे आंसर को फाइंड कर लेते हैं इफ यू टॉक अबाउट टू डिजिट दैट आर क्रिएटन बाई द जीरो सो इजीली हम कहते हैं कि हमें जीरो पुट करना है कैसे करना है भाई वन ओके टेबल राइट की टू की टेबल थ्री की टेबल एंड अगर जीरो पुट करते हैं तो वन क्रिएट इज टेन टेबल टू क्रिएट इज ट्वेंटी टेबल थ्री क्रिएटेज थर्टी टेबल देन फोर क्रिएट इज फोर्टी टेबल सो दिस इज द सीट अबाउट द टेबल्स ऑफ

Five stable. So, यहाँ पे तो हमने देख लिया चलिए हम ये क्या पा रहे हैं कि सिंगल को सिंगल से मल्टीप्लाई करना आसान है जीरो भी है so बहुत आसान होता है. Zero को multiplication, ten time move कराना है को कराना और हमारे आंसर आ जाते हैं क्या हो अगर हमारे जो नंबर्स हैं, वो डिफरेंट हो जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक बार हम इसे फील कर लेते हैं पहले फिर उसके बारे में बात करते हैं देखिए टू हंड्रेड फोर्टी

24 27 by the 0 we can create the 3 time of all 10 time tables okay in short if we have 4 then we can say 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 just 16 4 5 20 then we have 24 after after that we have 28 then we have 32 and after that we have 36 and at last we have 40. So we can create the 400 by the adding and replace at the ones places as 0. So yaha pe 3 digit number creation of neki. So we have 5 ki baat karte 25, then we have 30. So create 300. We have 35. So we can create 350. We have 40. So we can create 400. We have 45. So we can create 450. After 50, we can create 500. There. In short, we have 6 then 6 12 18 24 30 then 36 will be next number created 360 then we have 42 so we can create 420 after that we have 480 as next number and after it we have 540 and at last we have 600 of the 10 time of table of 60 if we talk about 7 table 7 14 21 28 35 then we have 42 then we have 49 then we have 56 after that we have 63 then at last we have 70 we can create 700 okay 8 ki to 8 16 24 32 40 48 then we have 56 okay then we have 64 72 and at last we have 800 if we talk about 9s table it should can create the 90 table so 90

पहले हम इसकी ओरल लैंग्वेज समझते हैं 24 का रिपीटेशन देना है भाई थ्री टाइम देना है सो so, 24 क्या कह रहे हैं आई एम 24 आई हैव टू डिजिट आई एम आई एम रीड 24 आई हैव टू डिजिट नंबर्स दैट आर फोर इज अ वनस प्लेसेस टू इज टेंस प्लेसेस इन शॉर्ट यू कैन से आई एम 20 एड बाय 4 कितना है भाई ये 20 एट बाय 4 सो ये पूरी फैमिली क्या कह रही है कि वी शुड हैव थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन क्योंकि इस थ्री से हमें क्या करना है होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर का क्रिएशन कैसे हुआ है बाय द ट्वेंटी और फोर को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्रिएट हो रहा है ट्वेंटी फोर सो हमें थ्री को मल्टीप्लाई करना है इस, पूरे से, इस पूरी फैमिली से करना है भाई ये पूरी फैमिली के पास ही आएगा ना क्योंकि ये पूरी फैमिली के बाहर बैठा हुआ दिख रहा है हमें मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ में तो ये तो सबसे फाइट करने आएगा तो चलिए इसकी फाइट करवाते हैं सबसे पहले ये डिवाइड हो गए देखो 20 एड बाई फोर बन गया बन गया फिर क्या कर रहा है 20 कह रहा है पहले मैं जा रहा हूं थ्री से फाइट करने सो थ्री मल्टीप्लाई बाई द ट्वेंटी वी कैन सी देयर देख पा रहे हैं चलिए फिर अनदर नंबर कहता है चलो आप चले गए मैं भी जाता हूं साइन यू कैन सी द एड साइन देन वी हैव फोर मल्टीप्लाई बाय द थ्री यू कैन सी देयर ओके, सो मल्टीप्लीकेशन क्या कह रहे हैं थ्री का टू टाइम सिक्स हो गया जीरो वी शुड पुट देयर सिक्सटी आ गया अनदर वे एड साइन यू कैन सी फोर का थ्री टाइम ट्वेल्व हो गया सो होल नंबर क्रिएटेड सेवेंटी टू इज अवर आंसर क्लियर इन शॉर्ट अब हम इसका बेसिक समझते हैं अगर हम टू डिजिट नंबर का यूज़ कर रहे हैं देन हमें एक्सपैंड फॉर्म क्रिएट करनी है इन एक्सपेंड फॉर्म हमें प्लेसेस क्रिएट करने हैं और सारे प्लेसेस को अलग अलग रैंडमली सॉल्व कर लेना है सो so, हमने ये ऐसा ही प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया चलिए प्रैक्टिस करेंगे और हमारा क्लियर होगा फोर मल्टीप्लाई द थ्री इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टी प्लस वन थर्टी वन से करना है ना थ्री एंड वन से करना है तो थर्टी वन हो गया चलिए क्या कह रही है भाई फोर को आप थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सही बात है क्योंकि से ये मल्टीप्लीकेशन लेगा चलिए यहां पे हम देख पा रहे हैं टेन टाइम वाली टेबल आ गई तो फोर को थ्री से किया कितना आया ट्वेल्व जीरो हम पुट कर सकते हैं ओके okay. फोर को वन से किया फोर सो so हमारा आंसर हो गया वन टू फोर यानी कि 124. डियर स्टूडेंट्स हमने जीरो में ही फोर को क्यों ऐड किया क्योंकि बेसिक रूल कहता है सो so so, so, हमारा फाइनल आंसर आया है 124. चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं यू हैव सेवन मल्टीप्लीकेशन बाई नाइन्टी थ्री इन शॉर्ट वी कैन हैव सेवन मल्टीप्लीकेशन बाई नाइन्टी एंड थ्री that is our number or next steps is you should multiply by 9 into 9 now 7 into 90 and add by 7 into 3 answer will be 7 9s are 63 0 you can put there seven threes are 21 so final answer one five and six five one is our final answer clear the kick is 0 on our pass 93 come expand form create here एवरी यूनिट को हमने गिवन नंबर से मल्टीप्लाई किया देन एडिशन फॉलो किया और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया क्लियर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्टी एंड फाइव इज अवर नंबर सो वी कैन इजीली डू फाइव मल्टीप्लाई बाय 40 ओके एड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्योंकि बाहर वाला नंबर क्या कह रहे हैं भाई मुझे सबसे मैच करना है मैं फाइव हूं मैं फोर्टी से भी मैच करूंगा मैं फाइव हूं मैं फाइव से भी मैच करूंगा किया इसने चलिए अब यहां आंसर फाइंड करते हैं फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव सो फाइनल नंबर एज रिजल्ट विल बी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज अवर फाइनल आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट ओर मूव करें व्हाट इज द नेक्स्ट यू कैन सी देयर एट मल्टीप्लीकेशन बाय 52 सो वी कैन से वी हैव एट मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 2 ओके okay? स्टार्ट करते हैं वी शुड मल्टीप्लाई एट बाय 50 okay in first step then we should write add sign and we can easily multiply 8 and 2 together so our answer will be 8 5 of 40 0 we can put there and at last you can see 8 2 times 16 so final result 416 is our final answer by the multiplication of 8 मल्टीप्लाई by 52, it इट इज़ product. प्रोडक्ट प्रोडक्ट is इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज answer आंसर ऑफ ठीक है चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं Here इज द नंबर 2 multiplication by 64. So सो एक्सपेंड फॉर्म क्या कह रही है 2 को मल्टीप्लाई करना है 60 से भी और 4 से भी ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट हो गया चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम एवरी नंबर से करेंगे 10 टाइम वाले से भी करेंगे add करेंगे हम हमारे सिंगल यूनिट से भी इसको करेंगे ओके okay? सभी नंबर से होगा ना ये सो so, हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखा सिक्स को टू टाइम ट्वेल्व क्रिएट किया जीरो वी कैन पुट देयर देन आंसर फाइन करो फाइन करो फटाफट से 128 इज आवर फाइनल आंसर सो दिस इज सो इजी देखिए अगर हम टू डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें उसके टेन के फॉर्म में क्रिएट करना है और हम किसी नंबर को अगर टेन का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ना तो so इजीली हम एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंड फॉर्म इज ए वे थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द हाउसेज ऑफ नंबर एवरी नंबर के हाउसेज को अगर हमें फाइंड करना है ना तो हमें एक्सपेंड फॉर्म क्रिएट करनी होती है यार एक्सपेंड फॉर्म जब क्रिएट कर देते हो ना तो जीरो की फॉर्मेशन में हमें नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं मिल जाते हैं ना क्योंकि एवरी हाउस एट द लास्ट स्टेज जीरो

एट तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फर्स्ट स्टेप एड बाई सिक्स मल्टीप्लीकेशन बाई एट सेकेंड स्टेप एंड यू शुड 6 टू टाइम ट्वेल्व सो वन हंड्रेड ट्वेंटी एड बाई फोर्टी एट सो फाइनल नंबर इज वन सिक्स एट इज अवर आंसर और रिजल्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि टेबल का यूजेस कैसे किया जाता है टेबल के काफी सारे यूजेस थे जब हम सिंगल यूनिट टेबल की बात करते हैं तो ईजिली हम ओरल काउंट करके मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे थे जब हमने टेन यानी टेन फॉर्मेशन वाली टेबल की बात करी तो ईजिल हमने सिंगल यूनिट को मल्टीप्लाई किया और जीरो पुट कर दिया तो हमारा टेन टाइम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाता है जब हम अनदर नंबर की बात करते हैं लाइक टू डिजिट नंबर होते हैं जो जीरो के फॉर्मेशन में नहीं है तो हम यूज करते हैं हमारे एक्सपेंडेड मेथड को इन एक्सपेंडेड मेथड हम एवरी नंबर को गिवन नंबर से रिपीटेशन देते हैं इट मींस मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा प्रोडक्ट एट लास्ट हमारे सामने आ जाता है सो लर्न हाउ टू मल्टीप्लीकेशन बाई टेबल्स का यूज करके हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे उसको हमने हमारे पार्ट में समझ लिया सो आई होप आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं सो so, यू